हर्बल पॉइंट बेगूसराय की ओर से डॉक्टर ए के प्रसाद यानी अनिल पतंगा नमस्कार। बंधुओं, आपके शरीर के विभिन्न अवयवों के लिए शरीर में किस चीज की आवश्यकता है, कितना चाहिए, ये सारी चीजों के बारे में मैं हमेशा सोचता रहता हूं और आप तक इसको पहुंचाने की कोशिश करता हूं। हमारे यहाँ आहार पद्धति से चिकित्सा की जाती है। हमारा मानना है, हमारा क्या बहुत सारे आयुर्वेद का मानना है कि खान पान की गड़बड़ी और अनियमितता और संयमितता और अनुशासन की कमी के कारण ये हम बीमार पड़ते हैं, हमें रोग होता है। और उसके इलाज अगर हम प्राकृतिक तरीकों से करना चाहें, वैकल्पिक चिकित्सा पद्धति के द्वारा करना चाहें, तो आसपास के पेड़ पौधे, घास पात, फल फूल, साग सब्जी और किचन के मसालों का बड़ा ही उपयोग है। आजकल एक तत्व की चर्चा बहुत जोर से हो रही है, जिंक की। और मैं इस पर बात करूं, आपको अच्छा लगता है इसको लाइक करें, शेयर करें और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी करें और बगल वाली आइकॉन की घंटी को दबा के नोटिफिकेशन ऑल को क्लिक कर देंगे तो हमारी सारे नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेंगे। तो आजकल जिंक की चर्चा की बात मैं कर रहा था, ये जिंक हमारे शरीर के लिए कितना उपयोगी और स्वास्थ्य के लिए कितना उपयोगी होता है। आजकल बाजार में जो अंग्रेजी दवाइयां हैं उसमें भी जिंक की गोली मिलती है और चिकित्सकों के सलाह पर हम जिंक की कमी उन गोली से भी पूरा करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि हमारे यहाँ जो हमारे खान पान का सिस्टम है, हमारे जो आहार है, फल फूल साग सब्जी और ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें हमें ये पाया जाता है। तो अब देखिए कि अगर इसके क्या फायदा होता है, जिंक से हमारे शरीर को क्या लाभ होता है। सबसे पहली बात होती है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिसकी आज बहुत जरूरत है। आज हम जिस तरह से प्रभावित हैं विभिन्न वायरस से या विभिन्न तरह के संक्रमण से, उसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की बात की जाती है। होता क्या है कि त्वचा में बहुत तरह की परेशानियां, त्वचा को बहुत लाभ होता है इससे, जिंक से। और अगर जख्म कहीं होता है तो उसको भरने में बड़ी आसानी होती है, या दृष्टि की कमजोरी को दूर करता है और डायबिटीज के लिए भी लाभकारी है। अब देखिए कि जिंक की अगर कमी होती है तो आपको क्या क्या लक्षण नजर आ सकते हैं। सबसे पहले देखिएगा, आपका वजन कम हो जाएगा, आपको भूख कम लगेगी, संभव है कि दस्त लगना शुरू हो जाए, शरीर में ऊर्जा की कमी हो जाएगी, सर्दी खांसी और सीने में संक्रमण जो आजकल होता है, बाल का झड़ना, त्वचा पर चकते, और एक और जो आजकल हो रहा है बहुत जबरदस्त, की देखने की शक्ति, सूंघने की शक्ति, चखने यानी स्वाद की शक्ति में ह्रास हो जाता है और कहते हैं कि आप संक्रमित हो गए हैं वगैरह। नपुंसकता का शिकार आप हो सकते हैं। आपके बच्चों और किशोरों में जो वृद्धि होती है 18-20 वर्ष तक, उसमें कमी आ सकती है अगर जिंक की कमी, तब कितना लेना चाहिए अब आदमी को। तो सबसे पहले जो वयस्कों के लिए 9.5 to 11 mg मिलीग्राम, 9.5 से 11 मिलीग्राम आप जिंक लेना चाहिए वयस्कों को, और महिलाओं के लिए 7 से 8 मिलीग्राम। लेकिन जब महिलाएं गर्भावस्था में हो तो उनको तो शिशु के लिए भी चाहिए ना, तो उसको 12 mg तक दिया जा सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जिंक की मात्रा तब तौल के लेंगे नहीं, आपको जो खा रहे हैं उसमें पता नहीं है कितना खा गए, अनुमान लगा सकते हैं लेकिन रोज रोज लगाना और सब लोगों के लिए मुश्किल है। लेकिन कम अधिक से अधिक 25 मिलीग्राम तक खाएं, और उससे जो बढ़ेगा तो आपकी परेशानी बढ़ जाएगी कि आपको उल्टी और दस्त होने लगेगा और तरह की बातें होने लगेगी। और देखिए, जो एंटीबायोटिक्स या अंग्रेजी की अन्य दवाएं ले रहे हैं उन्हें अपने चिकित्सक की सलाह से ही जिंक का प्रयोग करना चाहिए। अब हम ये बताते हैं कि किन किन पदार्थों में कितने जिंक पाए जाते हैं। अगर 2 अंडे हम खाते हैं तो 1.2 मिलीग्राम जिंक की प्राप्ति होती है, 150 ग्राम भुने चना और बीन्स वगैरह सोयाबीन को खाते हैं तो 2 मिलीग्राम हमें प्राप्त होता है, 200 मिलीग्राम दही में आप देखते हैं कि ये 5.2 मिलीग्राम, ये 1.5 से 2.2 यानी 1.5 to 2.2 मिलीग्राम
दही में आपको जिंक पाया जाता है। और 100 ग्राम अगर गेहूं या उसका आटा खाते हैं तो 2.6 मिलीग्राम हमें में जिंक की प्राप्ति होती है। दाल में अगर मसूर मटर बीन्स वगैरह का प्रयोग करें 100 ग्राम तो आपको 1.4 मिलीग्राम प्राप्त होता। पालक में 0.6 मिलीग्राम 100 ग्राम में, सबका भी 100 ग्राम की चर्चा मैं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें क्या अल्फा ये लिपोइक एसिड होता है, लिपोइन एसिड एंटीऑक्सीडेंट होता है जो ग्लूकोज के स्तर को कम करता है। विटामिन ये सी जो होता है, ये विटामिन के भी होता है, हड्डियों के लिए ये काफी लाभकारी होता है। मशरूम में अगर हम लोग देखें कि जिंक की कितनी मात्रा है तो 0.6 मिलीग्राम है, चूंकि इसमें जर्मेनियम पोषक तत्व होते हैं और जो ऑक्सीजन की मात्रा को हमारे शरीर में बढ़ा देता है। इसमें आयरन विटामिन सी डी के होने के कारण उसका भी लाभ हमें मिलता है। काजू की बात करें तो इसमें बहुत ज्यादा जिंक पाया जाता है, 100 ग्राम काजू में 5.9 मिलीग्राम काजू को यह पाया जाता है। चिकन भी बहुत उपयोगी होता है, 1.2 mg हालांकि होता है, जिसके अलावा इसमें प्रोटीन सेलेनियम इसमें पाया जाता है जो हमें कैंसर सेल्स की सुरक्षा करता है। विटामिन B6 B3 जो हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और कोशिकाओं के विकास में काफी सहयोग करता है। ब्राउन राइस खाने की सलाह हम लोग देते हैं, 0.6 ग्राम 100 ग्राम में है, ये प्रतिरक्षा प्रणाली को तो मजबूत करता ही है, रक्त शर्करा को भी कम करता है। लहसुन जिसकी चर्चा बहुत होती है, इसमें 1.2 मिलीग्राम आपको जिंक प्राप्त होगा 100 ग्राम में, तो 100 ग्राम तो हम प्रयोग करते नहीं, इसलिए इसमें तो भी हृदय रोग से अच्छा करता है तथा आपको रक्तचाप को भी कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को दूर करता है। और सर्दी और शरीर के अंत और वाह जो वस्तु धातुओं है उसको डिटॉक्सिफाई करता है, यानी ये काफी विजातीय द्रव्यों को बाहर निकालता है। बादाम की चर्चा करें तो 0.3 मिलीग्राम ये एंटीऑक्सीडेंट होता है जो तनाव को भी दूर करता है, और ये उच्च मात्रा ये होता है ये एल्जाइमर से बचाता है हमें, जो मस्तिष्क में जो होता है भूलने की बीमारी ये से हमें रक्षा करता है। तिल बहुत उपयोगी होता है और इसमें बहुत अधिक जिंक पाया जाता है, इसीलिए तिल खाने की सलाह हम लोग देते हैं जाड़े के दिनों में खास करके। और इसमें क्या होता है कि फाइटोएस्ट्रोल होने के कारण ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। अलसी का को भी हम लोग रिकमेंड करते हैं कि आप इसमें जिंक की बहुत मात्रा होती है, 4 मिलीग्राम होता है 100 ग्राम, जिसमें वो 3 फैटी एसिड फोलिक हृदय के लिए वो मस्तिष्क के लिए दोनों के लिए लाभकारी। पंपकिन सीड जिसके आप कद्दू या कदीमा का बीज कह सकते हैं उसका उसमें 10 मिलीग्राम होता, देखिए कितना ज्यादा होता, सबसे ज्यादा ये गठिया में या सूजन में आदि रोगों में तो फायदा करता ही करता है। महिलाओं के मोनोपॉज के बाद जो समस्याएं आती है उसमें लाभ करता है, हमारे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण ये काफी लाभ करता है। अब देखिए ओट्स मुख्यतः जौ या जई कह सकते हैं, इसको 4 ग्राम होता है 100 ग्राम में। बीटा ग्लूटोन इसका क्या होता है, ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और जो अच्छे बैक्टीरिया शरीर में होते हैं उसका विकास करता है, रक्त शर्करा को भी कम करने में ये काफी मदद करता है, इसलिए इसके सेवन की भी सलाह हम लोग देते हैं। कोको पाउडर एक होता है 7 मिलीग्राम, इसमें 100 ग्राम में होता है, क्योंकि इसमें फ्लेवोनाइड जो होता है ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। बीन्स आप जानते हैं जिसमें 3 मिलीग्राम 3 मिलीग्राम होता है। फोलेट जो DNA संश्लेषण और सेल के विभाजन के लिए ये उत्तरदायी होता है। विटामिन बी सिक्स प्रचुर मात्रा में फाइबर जो पेट के लिए बहुत लाभकारी होता है, कैंसर की से सुरक्षा करता है और वजन को कम करता है। राजमा में 2.8 मिलीग्राम आपको जिंक पाया जाता है, इसके अलावा इसमें प्रोटीन होता है जो रक्त शर्करा को काफी कम करता है, सूजन में भी लाभ करता है। मटर की बात हम करें तो इसमें 1.2 मिलीग्राम जिंक पाया जाता है जो हमारे कोलेस्ट्रॉल के लिए और ये फैट के लिए, इसमें एक ब्यूटीन नामक जो पदार्थ होता है एंटीऑक्सीडेंट, जिसके कारण आपको देखिएगा कि सब में इसमें लाभ होता है। और मटर की ये मूंगफली की बात हम करें तो इसमें 3 मिलीग्राम होता है, ये हृदय के लिए बहुत लाभकारी होता है। इसमें ये नियासिन मैग्नीशियम कॉपर ओलेइक एसिड इत्यादि एंटीऑक्सीडेंट होने के कारण
यह कोलेस्ट्रॉल स्तर को काफी कम करता है। इस तरह से हम देखते हैं कि जिंक को अगर अलग से ना भी लें, हम जो चीज सेवन करते हैं, जो चीज खाते हैं, उसमें जिंक की प्रचुर मात्रा है। इसीलिए आप घबराए नहीं, आप खाते रहे और आपके शरीर में जिंक की मात्रा बरकरार रहे और आपका जो इम्यून सिस्टम है बढ़ा रहे, ताकि रोग से लड़ने की क्षमता रहे, आप पर किसी तरह का वायरस का संक्रमण नहीं होगा, इसलिए जिंक का प्रयोग कर सकते हैं आप। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अगर आपको इसका उपयोग कुछ समझ में आती है, लाभ होता है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में इसकी चर्चा करें। और आपके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हुए मैं अपनी बात को यहीं विराम देना चाहता हूं। नमस्कार।